Hello students, welcome back to PrepOn. Recently you might have read in the newspapers that Mauritius has been removed from the grey list of FATF. What is FATF? Financial Action Task Force. So in today's lecture we shall understand about FATF. When was it established? What is the purpose of establishment? And when Mauritius has been removed from the grey list, what does it mean for India? Pakistan has still been retained in the grey list. What is this grey list? Why countries are put in grey list? What is money laundering? For what purpose money laundering is done? In cheezon mein we shall delve deep into. In mein hum jayenge aur pata karenge. To Financial Action Task Force has removed Mauritius from the grey list. So let us understand. First of all, exam point of view say कभी कभी मैप क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मॉरिशस इज इन द यू कैन से इंडियन ओशन इट इज इन इंडियन ओशन हेयर मॉरिशस इज प्लेस्ड दिस इज इंडिया एंड इट इज यू कैन से द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफ्रीकन नेशन विच ट्रेड्स विद इंडिया भारत का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से होता है एंड इट इज गेट वे टू यू कैन से अफ्रीका ऐसे भी कहा जा सकता है और भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर भी है एंड ऑब्वियसली जब प्लांटेशन इंडस्ट्रीज चला करती थी कॉलोनियल पीरियड में तब बहुत सारे इंडियंस यहाँ ले जाए गए थे जो यहीं के हो गए हैं और यहीं बस गए हैं तो इंडियन डायस्पोरा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करता है तो इसको समझ लेते हैं आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मेंट टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म हैज मूव्ड मॉरिशस out of its grey list in October 2021 plenary held last week. देखिए FATF 1989 में establish हुआ था it was in Paris G7 countries की meeting हुई थी Paris में वहाँ इसको establish किया गया था money laundering रोकने के लिए and what is money laundering? देखिए laundering का मतलब होता है clean करना तो जो डर्टी मनी होता है जो भी डर्टी मनी है इलेजिटिमेट मनी है उसको आपने लॉन्ड्री में डाला और वो मनी क्लीन हो गया मतलब इलेजिटिमेट मीन से आपने मनी कमाया है ड्रग ट्रैफिकिंग से आपने मनी कमाया है और उस मनी को आपने किसी तरीके से किसी भी मेथड से उसको आपने वाइट कर लिया लेजिटिमेट कर लिया और फिर उस मनी को बैंक अकाउंट में लेजिटिमेट कराकर उसको फिर आप निकाल कर टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल करते हैं और फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं तो इसको कॉम्बैट करने के लिए ये FATF 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो इलेजिटिमेट मनी है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जैसे मैक्सिको है अफगानिस्तान है ये काफ़ी सारे ड्रग्स की खेती करते हैं पॉपी की कैनबिस की खेती करते हैं इससे जो जनरेट होता है कैश जनरेट होता है उसे किसी तरीके से अकाउंटिंग मैन्यूवर से या अकाउंटिंग ट्रिक से किसी तरीके से उसे बैंक में डाल देते हैं और फिर वो मनी ऑफिशलाइज हो जाएगा वो लेजिटिमेट मनी हो जाएगा वाइट मनी हो जाएगा उसको निकाल कर टेरर फाइनेंसिंग करेंगे और दिखाएंगे कि ये हमारा मनी किसी सही काम में जा रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेरर को फंड करते हैं मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एक होटल खोल रखा है रेस्टोरेंट खोल रखा है अपनी रेस्टोरेंट बिजनेस में वो दिखाता है कि इतना कैश इकट्ठा हुआ और उस कैश को जो कैश पेमेंट उसके पास आया उस रेस्टोरेंट को चला रहा है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर फाइनेंसिंग करता है अब उस जो कैश इकट्ठा हुआ वो तो उसने बैंक में डाल दिया अब वो तो वाइट मनी हो गया कैश उसको फिर वो निकाल कर किसी तरीके से ऑफिशलाइज हो गया फिर वो टेरर फाइनेंस में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से वर्ल्ड में आतंकवाद बढ़ता रहता है इसमें बहुत सारी एजेंसीज और कुछ देश पीछे से भी काम करते हैं तो इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और कई सारे तरीके से ये होती है इसको रोकने के लिए ताकि टेरर की फाइनेंसिंग ना हो FATF बनाई गई थी तो FATF ने मॉरिशस को भी 2020 फरवरी में डाल दिया था इस लिस्ट में क्योंकि मॉरिशस एक सेफ हेवन है वहाँ के जो लॉज हैं रेगुलेशन हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं थे
कि मनी लॉन्ड्रिंग वहां पर ना हो पाए, और वहां पर लोग पैसा रूट करके और दूसरे देशों में, हमारे देश में भी आ जाता था, जिससे फाइनेंस हो जाते थे इस तरीके की गतिविधियां। तो मॉरिशस ने जब अपने एक्शंस को ठीक करके दिखाया तो इस मीटिंग में मॉरिशस को इस लिस्ट से निकाल दिया गया। व्हाट डिड एफएटीएफ डिसाइड इन इट्स अक्टूबर प्लीनरी? एफएटीएफ की मीटिंग साल में 3 बार होती है, फरवरी में होती है, जून में होती है और अक्टूबर में होती है प्लीनरी। इसमें ये अपने फैसले लिया करते हैं। FATF was known to be actively considering a re-rating of Mauritius and moving it out of the grey list on the basis of legislative and regulatory mechanisms implemented in the past 20 months by the Mauritian government. वहाँ की सरकार ने जब उसको grey list में डाल दिया गया तो वो सारे actions लिए, legislative actions भी लिए, regulations भी बनाए, ताकि वो compatible हो जाए anti-money laundering स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो कि एफएटीएफ बनाता है। तो एफएटीएफ पॉलिसी मेकिंग भी करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, और जो देशों को उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को कंपैटिबल करना पड़ता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए। मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम को भी डिस्टेबलाइज कर सकता है। एफएटीएफ हैड इन जून 2021 प्लीनरी एग्रीड दैट मॉरिशस हैड कंप्लीटेड putting into force an action plan designed to combat and strengthen the effectiveness of its activities to combat money laundering and financing of terrorism, जो मैंने आपको बताया सरकार ने सही काम करके दिखाया, उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। ग्रे लिस्ट से निकालने का मतलब है कि अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, वहाँ से FDI, FPI भारत में आ सकता है। ये सब क्या है अभी देखते हैं। What is FATF and what does it do? मैंने आपको बताया FATF was established during the G7 Paris Summit in 1989. It sets standards or develops recommendations aimed at prevention of illegal activities. ये standards set करता है। It is a policy making body. आप मान लीजिए policy making body है और money laundering रोकने के लिए standards set करता है जिसको और देशों को follow करना पड़ता है। The task force also generates political will to bring about legislative and रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। उन देशों की सरकारों के साथ ये तालमेल रखता है ताकि सरकारें एंटी मनी जो लॉन्ड्रिंग है उसके रोकने के लिए अपने कानून हैं नहीं हैं तो बनाएं, उनमें गैप्स हैं तो उन्हें प्लग करें या उन्हें इम्प्रूव करें ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। मोर देन 200 कंट्रीज एंड ज्यूरिडिक्शंस टेक पार्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रिफॉर्मेटिव मेजर्स। The effort is to continuously review money laundering, terrorist funding techniques, threats to global financial system and toughen the standards for addressing new risks. It monitors and holds to account countries that do not comply with such standards. अब जो देश इसको follow नहीं करते हैं या अपनी approach में laxity दिखाते हैं तो उनको grey list के तौर पे warning में डाल दिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है कि आप अपने एक्शंस को इम्प्रूव कीजिए वरना अदरवाइज आपको इसके इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। तो ये पर्पस था एफएटीएफ बनाने का कि ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग या जो इलीगल फाइनेंसिस से जो फ्रॉड्स किए जाते हैं उनको भी रोका जा सके। अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है या कॉम्बैट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग कॉम्बैट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह है, ये भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। ये सारे एरियाज हैं जो एफएटीएफ देखता है, इनके प्रोक्योरमेंट में भी मनी इस्तेमाल हो रहा है, गलत तरीके से लिया जा रहा है तो वो भी इसमें आ सकता है। नाउ व्हाट इज एफएटीएफ ग्रे लिस्ट एंड हाउ डज इट वर्क? कंट्रीज आर प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट फॉर इंक्रीज मॉनिटरिंग टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग एंड फंडिंग ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड टू एड्रेस स्ट्रेटेजिक गैप्स इन द सिस्टम। मैंने आपको बताया आपके पास लॉज हैं, इंडिया का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में पास हुआ था, यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1998 में कि हमको इस पे काम करना चाहिए ताकि सभी देश अपने कानून बनाएं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, ताकि देश से दुनिया से आतंकवाद खत्म किया जा सके। तो इंडिया ने भी अपना PMLA पास किया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो इंडिया के पास भी है। मान लीजिए हमारे PMLA में कुछ गैप है तो उसको हम प्लग करेंगे, अगर हम नहीं करते हैं तो हो सकता है हमको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। तो अगर स्ट्रेटेजिक आपके पास जितने भी स्ट्रेटेजिक गैप्स हैं आपके लॉज में, रेगुलेटरी मैकेनिज्म में,
उनको ठीक आप नहीं कर रहे हैं बावजूद इसके कि आपको वार्निंग दी गई है, तो आप लिस्ट में डाले जा सकते हैं। एज मैनी एज 23 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान केमैन आइलैंड्स आर इन द ग्रे लिस्ट। आपको पता है कि ये केमैन आइलैंड एक सेफ हैवन है, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग लोग अपना पैसा छुपा कर रखते हैं, और ये जो जो ये जो पेंडोरा डीलिंग्स वाला जो केस खुला है उसमें और भी ज़्यादा पता लगा है, पेंडोरा फाइल्स का जो केस खुला है कि कितना इलिसिट मनी डिफरेंट डिफरेंट सेफ हैवन्स में रखा गया है। वाइल मॉरिशस एंड बोत्सवाना हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस लिस्ट, जॉर्डन माली एंड टर्की हैव बीन एडेड। जॉर्डन माली और टर्की को इसमें डाल दिया गया है। तो ये डिलीशन एडिशन चलता रहता है देशों के एक्शंस देखते हुए, पाकिस्तान को अभी भी इसमें रखा गया है। व्हाट वर द अथॉरिटीज इन इंडिया वरीड अबाउट? अब इंडियंस मॉरिशस को जब ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगी। मॉरिशस वॉज प्लेस्ड इन FATF ग्रे लिस्ट इन फरवरी 2020 एंड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वर लार्जली रूटेड इन टू इंडिया बाय द टैक्स हेवन ओन कंट्री, द सेकेंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ FPI आफ्टर US एज ऑफ जनवरी 2020, अथॉरिटीज वर कॉशस, वेरी मैने कॉशस। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये वो होता है जो यू कैन से शेयर बाजार वगैरह में होता है। मान लीजिए FPI जो है वो हॉट मनी कहलाता है। अगर देश में कुछ मान लीजिए शेयर मार्केट डाउन होने लगे तो ये पैसा तुरंत वोलेटाइल होता है, हॉट मनी है, उड़ के चला जाएगा, इसकी कोई परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो FPI सभी सरकारें चाहती हैं कि FDI का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें ब्रिक एंड मॉर्टर बॉडीज बनाई जाती है, फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं एक, ताकि यहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह हो, उसका उठ के जा पाना आसान नहीं होता है। तो FPIs का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स FDI का भी है, मॉरिशस FPI का है, लेकिन जब ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो ओब्वियसली यहाँ से RBI बैन लगा देगा, बाड़ लगा देगा कि FPI यहाँ से नहीं होगा, होगा तो इस रेगुलेशन के साथ होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा और ट्रेड, और बहुत सारे देश मॉरिशस में अपने हेडक्वार्टर्स बनाते हैं क्योंकि वहाँ के जो टैक्स नियम है वो थोड़े से आसान हैं। बेसिकली मॉरिशस की सारी इकोनॉमी फाइनेंशियल सेंटर होने के नाते ही चलती है, तो सारे कंट्रीज मॉरिशस को प्रेफर करते हैं, लेकिन जब मॉरिशस ग्रे लिस्ट में चला गया है तो भारत को भी दिक्कत हो जाएगी। FPI का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मॉरिशस रहा है भारत के लिए आफ्टर US। कंसर्नड अबाउट राउंड ट्रिपिंग ऑफ ब्लैक मनी इन द गाइज ऑफ FPI एंड टेरर फंडिंग गेटिंग राउटेड वाया मॉरिशस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड SEBI सब्सिक्वेंटली लेविड इन्वेस्टमेंट कर्स ऑन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड FPI फ्रॉम मॉरिशस। जब ओब्वियसली जब ऐसा हो गया तो RBI ने फिर इन्वेस्टमेंट लेवीज लगानी शुरू कर दी, जब लेवीज लगा देंगे तो ओब्वियसली इन्वेस्टमेंट बहुत यूजफुल नहीं रहेगा, जो हमारे ट्रेड के लिए भी सही नहीं है, तो इसलिए RBI ने बैन कर दिया था कि अब वहाँ से FPI नहीं हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट लेवीज लगा दी थी जो कि हमारे व्यापार के लिए सही नहीं है। आप देखिए ग्राफ के जरिए देख सकते हैं, RBI का ग्राफ है, 2009-10 में 43.64% FPI आया करता था, FDI फ्लो होता था। मॉरिशस अ की सोर्स ऑफ FDI एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया वॉज प्लेस्ड इन FATF ग्रे लिस्ट इन फरवरी, लुक एट द FDI फ्लो इन इंडिया फ्रॉम टैक्स हेवन नेशन। उस समय ये FPI FDI इतना आया करता था और अब ये देखिए 8. इतना हो गया था, काफ़ी कम हो गया था 2020-21 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसमें हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा। जब FDI होता है तो ऑब्वियसली यहाँ की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलते हैं। FPI तो ऐसा मनी है जो कभी भी हरे से जा सकता है। मान लीजिए US ने अपना फेड रेट, जो वहाँ का टैक्सेशन का रेट है, टेपर टेंट्रम कर दिया तो ऑब्वियसली यहाँ की शेयर मार्केट से पैसा जा भी सकता है और आ भी सकता है। तो FPI इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता जितना FDI होता है, और मॉरिशस से काफ़ी सारा FDI हुआ करता है, इसलिए मॉरिशस का ग्रे लिस्ट से निकलना भारत के लिए बहुत यूजफुल है। हाउ शुड इंडियन अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्ड नाउ? वैसे तो अब हटा दिया गया है तो अब आसान हो जाएगा। RBI एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट बी टेम्प्टेड बाई एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अट्रैक्टिंग मोर FPI और FDI विच इज़ लाइकली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ FTI FATF का रिमूवल से। ठीक है, हटा दिया गया है, लेकिन बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी भी हो सकता है कि डिसगाइज में या गाइज में इलीगल मनी भारत में आ सकता है। जो कॉशन है, स्क्रूटनी है,
उसका लेवल कम नहीं होना चाहिए। प्रायर टू मेकिंग अ हेस्टी मूव विद द इंटरमीडिएट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन माइंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। लेसर स्क्रूटनी ऑन अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप इन इन्वेस्टमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टैक्स हेवन शुड बी कंटेम्प्लेटेड विद कॉशन। बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब होता है कि कोई कंपनी है जिसमें आपका कुछ ओनरशिप में आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, शेयर में आपकी मालकियत वगैरह है, उसे बेनिफिशियल ओनरशिप कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। तो उसको स्क्रूटनाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो पैसा कहीं से लग रहा है और अकाउंटिंग इतनी ट्रिकी हो जाती है कि उस सोर्स ऑफ मनी का पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेनिफिशियल ओनरशिप की स्क्रूटनी होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ कॉशन के साथ भी चलना चाहिए, लेकिन साथ साथ मॉरिशस के साथ हमारा ट्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इसी साल हमारे भारत सरकार ने मॉरिशस के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें मॉरिशस और इंडिया के बीच में जो टैरिफ्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो काफ़ी कम हो जाएंगी और हमारे बीच का ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और देश चाहें तो मॉरिशस के थ्रू हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाएगा। तो ये जो पार्टनरशिप ट्रीटी साइन हुई है भारत और मॉरिशस के बीच में अभी इसी साल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मॉरिशस के थ्रू वी कैन ऑल्सो रीच टू द होल ऑफ अफ्रीका, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर ट्रेड विद इंडिया। तो वी हैव दिस साइन दिस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2021 विद मॉरिशस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके साथ एक डिफेंस पैक्ट भी हमने साइन किया है। तो मॉरिशस के साथ हमारा फाइनेंशियल डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती है। सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। व्हाट एज एफएटीएफ ग्रेलिस्ट एंड ब्लैकलिस्ट होती क्या है, शॉर्ट में जान लेते हैं। ब्लैकलिस्ट कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज NCCTs आर पुट इन ब्लैक लिस्ट। दीज कंट्रीज सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। द FATF रिवाइजेज द ब्लैक लिस्ट रेगुलरली अमंग एडिंग और डिलीटिंग एंट्रीज। ब्लैक लिस्ट वो देश हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी चेंज करने को तैयार नहीं हैं और वो अपने लूज और लैक्स अपने लॉज रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बनाते हैं जिससे टेरर फंडिंग नहीं रुक पाती है, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन FATF ग्रे लिस्ट, दिस इंक्लूजन सर्व्स एज ए वार्निंग टू द कंट्री दैट इट मे एंटर द ब्लैक लिस्ट। मतलब एक पहले वार्निंग दी जाती है कि आपने अपने मैकेनिज्म्स को या लॉज को नहीं सुधारा, अपने एक्शंस को नहीं ठीक किया, तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो दो लिस्ट होती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, और इस पर फिर आपके एक्शंस, ये आपके एक्शंस होते जाएंगे, उन एक्शंस को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, फिर आपको इस लिस्ट से निकाला जाएगा। और अगर इस लिस्ट में आप पड़े रहे तो फिर दिक्कत होगी। क्या दिक्कत हो सकती है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग इन द FATF ग्रे लिस्ट, इकोनॉमिक सेंक्शन फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान को बायलेटरल बेसिस पर सऊदी अरेबिया से फंड मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन IMF से या वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्वेस्टमेंट मनी नहीं मिलेगा क्योंकि वो ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। उसको बाहर से पैसा लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बिना बाहर की मदद के वहाँ की इकोनॉमी इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान को अपने एक्शंस को कंपेटेबल बनाना पड़ेगा और आतंकवाद पे बहुत बड़े बड़े एक्शंस और फैसले लेने पड़ेंगे, अपने लॉज को FATF के अनुसार, स्टैंडर्ड्स के अनुसार कंपेटेबल बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन्स फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB एंड अदर कंट्रीज। सेंक्शन तो लगी जाएंगी, लोन्स भी नहीं मिलेंगे, आपके साथ व्यापार भी हो सकता है बंद करा दिया जाए क्योंकि आप ग्रे लिस्ट में हैं या ब्लैक लिस्ट में हैं, तो आपके साथ कोई व्यापार भी आसानी से नहीं करेगा। रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, ओब्वियसली व्यापार रुक जाएगा। इंटरनेशनल बायकॉट भी हो सकता है बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ फंडिंग व्हाट, टेरर इन द वर्ल्ड। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं अगर आप ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं। FATF एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज़ बीन इन द FATF ग्रे लिस्ट सिंस यू कैन से 2018 and has been asked to implement the FATF action plan fully by September 2019. It was in the same category from 2012 to 2015 also. पहले भी था, अभी फिर डाल दिया गया है। पाकिस्तान inclusion in the grey list can be attributed to the fact that country's anti-terror laws are still not in line with FATF standards and also with the latest UN resolution
2019 में यूएन रेजोल्यूशन पास किया है कि जितने देश हैं वो एफएटीएफ के स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्पेटेबल हों ताकि टेरर फाइनेंसिंग दुनिया से ख़त्म की जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को मिनिमाइज या ख़त्म किया जा सके। तो रेजोल्यूशन 2019 में पास किया था यूनाइटेड नेशंस ने, तो उसके हिसाब से इसको देश ये पास किया था कि सभी देश इसके हिसाब से अपने को अपने लॉज को रेगुलेशंस को कंपेटेबल बनाएं ताकि इस चीज़ को हम ख़त्म कर सकें। इसमें एक एगमोंट ग्रुप काम करता है, एगमोंट ग्रुप, अगर आप ये मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ेंगे तो एगमोंट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। 1995 में एगमोंट ग्रुप बना था, इनफॉर्मल बॉडी है जिसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स जो देशों के होते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स जितने भी देशों के हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज को एक दूसरे से शेयर करते हैं और कैसे इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक दूसरे से एक कन्वर्सेशन में रहते हैं, इंटरेक्शन में रहते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करते हैं ताकि इन चीज़ों की मदद से कैसे टेरर फाइनेंसिंग या ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको रोका जा सके। तो एगमोंट ग्रुप के जो रिकमेंडेशंस होती हैं इनकी काफ़ी वैल्यू होती है। ये 1995 में शुरू हुआ था बेल्जियम के एगमोंट जगह पर, तो इसे एगमोंट ग्रुप कहते हैं। इसको भी आप शॉर्ट में देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो फार एज मनी लॉन्ड्रिंग इज कंसर्न। पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट में डाला गया तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान हैज मोस्टली डन इन द पास्ट इज टू डिटेन बोथ मसूद अजहर एंड हफीज सईद फॉर एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। उसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में नहीं डाला है या उसमें आतंकवाद के कानून में नहीं डाला है, ब्रीच ऑफ पीस को उन्होंने तोड़ा है इसलिए उनको डाला गया है, जबकि बोला यह गया है कि आप एंटी टेरर लॉ में उनको अरेस्ट करें और उनके अकाउंट वगैरह फ्रीज करें, वेपन्स की एक्सेस फ्रीज करें। पाकिस्तान के एक्शन एफएटीएफ की डिमांड के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। उनको अरेस्ट तो किया गया है लेकिन उन पर जो इल्ज़ाम है वो मनी लॉन्ड्रिंग या वेपन्स की एक्सेस या उसके हिसाब से नहीं है, टेरर फंडिंग के हिसाब से नहीं है। एक तो ये वजह है। वाइल देयर वर सम अरेस्ट ऑफ दिस एलईटी जेएम एंड जेयूडी कैडर्स, दे वर ऑल एप्रीहेंडेड अंडर द कंट्रीज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड एक्ट नॉट एंटी, जो मैंने आपको बताया उनको जिन कानूनों में अरेस्ट करने की वजह है वो एंटी टेरर से संबंधित नहीं है। ये भी ऑब्जेक्शन है एफएटीएफ का, मतलब पाकिस्तान के इंटेंशंस उस टेरर फंडिंग को कर्ब करने के नहीं है। With Pakistan's continuation in the grey list, it is increasingly becoming difficult for this country to get financial aid from IMF, World Bank, Asian Development Bank and European Union, thus further enhancing problems for the country. कंट्री के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, इसलिए पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान का रिव्यू अगले साल होगा उसमें फिर देखा जाएगा अगर पाकिस्तान नहीं ठीक करेगा अपने एक्शंस को। हालांकि पाकिस्तान ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं बट अभी फुल्ली कंपेटेबल स्टैंडर्ड्स के एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स के साथ नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम पाकिस्तान को आ रही है। इंडिया के बहुत सारे एक्शंस हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से हैं। पहले तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है, 2002 में ये पास हुआ था। बाय द वे इस पे आजकल टुडे ओनली सुप्रीम कोर्ट में इस पे डिस्कशन चल रहा है कि इसमें कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, तो इसमें कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस हैं उनको ठीक किया जाए। तो दिस यू कैन से दिस पर्टिकुलर थिंग इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन सुप्रीम कोर्ट टुडे आल्सो दिस डेज, कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाएँ ताकि इसका इसका जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस को ठीक किया जाए। और एंटी ब्लैक मनी एक्ट 2015 भारत ने पास कर रखा है। डीमोनेटाइजेशन का जो एक्शन हुआ था वो भी इस दिशा में ही है कि कैश का फ्लो बंद कर दिया जाए क्योंकि कैश आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। जीएसटी का इस्तेमाल, जीएसटी का जो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी कुछ इस दिशा में ही आ जाता है। नो योर कस्टमर बैंकिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीफोन में हो या बैंकिंग में हो, ये सारे के सारे एक्शंस को इंडिया के एक्शंस हैं जो हमको बिसाइड्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके साथ साथ ये एक्शंस भी सब इन चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंटी ब्लैक मनी एक्ट 2015, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, नो योर कस्टमर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी ये एक्शंस हैं ये सब के सब
मनी लॉन्ड्रिंग को कर करने में काम आते हैं। तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट FATF एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो आज के इस वीडियो में हमने FATF के बारे में थोड़ा बहुत जाना, एक ऐसी बॉडी जो 1989 में बनी थी G7 कंट्रीज की समिट में पेरिस में। मकसद ये था कि जो इलीगल कैश है वो किसी तरीके से उसको लीगल बनाकर टेरर फंडिंग में इस्तेमाल ना किया जाए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स में इस्तेमाल ना किया जाए, किसी देश की इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने में इस्तेमाल ना किया जाए। इसलिए बनाया गया था FATF 1989 में, और इसका मैंडेट बढ़ता गया। फिर इसमें जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह हैं, टेररिज्म को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, और काउंटर यू कैन से काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है, ये सब इंक्लूड होते चले गए। पाकिस्तान इसमें दो लिस्ट होती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट वो है जो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं है, खुलेआम करते हैं, ब्लैक लिस्ट में है, और जैसे नॉर्थ कोरिया है। और ग्रे लिस्ट में वो देश होते हैं जिनको वार्निंग दी जाती है, उनके बाद मैकेनिज्म तो हैं लेकिन मैकेनिज्म्स में या लॉज में या रेगुलेशन में कुछ गैप्स वगैरह हैं, तो उनको ठीक करने की सलाह दी जाती है। अगर वो करते हैं तो लिस्ट से निकाल दिया जाता है, जैसे मॉरिशस ने किया। इसी मॉरिशस को लेकर हमने डिस्कशन किया था। मॉरिशस के साथ हमारा व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस के साथ हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसमें हम एक दूसरे पर टैरिफ कम लगाएंगे ताकि हमारे व्यापार बढ़ जाए, और मॉरिशस को बेस बना के बहुत सारे देश हमारे यहाँ रियायत पर डिस्काउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, FDI भी कर सकते हैं, FPI भी कर सकते हैं। तो दिस ऑल वी डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब खराब मनी को लॉन्डर कर दिया, क्लीन कर दिया, बैंक में पहुँचा दिया, उसके बाद वो सफ़ेद हो गया, वाइट हो गया, फिर आप उसे इस्तेमाल करिए। और जो आया मनी का जो सोर्स है वो इलीजिटिमेट है, गलत तरीके से वो पैसा आया है, उसको आपने फिर प्रवाह में डाल दिया इकोनॉमी के। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।